नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की पुलिस लाइन में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर और उसके बेटे पर हुआ हमला। बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस थाने में दी थी शिकायत। तरनतारण के अधीन आते गांव भगवानपुरा में ससुराल परिवार ने विवाहिता से मारपीट कर उसे फंदा लगाकर की मारने की कोशिश। ससुराल पक्ष ने सिरे से आरोपों को नकारा। नकोदर में बालियां चुराने आए दो चोरों को लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर की मारपीट। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के पुलिस लाइन में अपने ससुराल के खिलाफ दी शिकायत के चलते पुलिस लाइन में पहुंचने पर पुलिस कर्मचारी और उसके पिता रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला किया गया, जिस कारण दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। इस मौके पर पुलिस कर्मचारी नवनीत शर्मा ने कहा कि उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत की हुई है और उसे थाने में बुलाया गया था। जैसे ही वे थाने में घुसने लगा, उसी समय उसके ससुराल पक्ष में मौजूद पुलिस कर्मचारी ने उन्हें घेर लिया और झगड़ा शुरू कर दिया। उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसमें उसकी शादी हुई थी और 9 महीने पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दी थी। इस मौके पर नवनीत के पिता सुशील कुमार ने कहा कि वे पुलिस लाइन में आए थे और उन पर 10 लोगों ने हमला कर दिया, इसलिए उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उनके बेटे का ससुर जाली सर्टिफिकेट के आधार पर पुलिस में भर्ती हुआ है, उसकी जांच की जाए, इसलिए उन्होंने उच्च पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी हैं। उनकी भतीजी की शादी नवनीत के साथ हुई थी और वे उसे तंग परेशान करते थे। उनकी भतीजी से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। उनकी भतीजी ने एक लड़की को भी जन्म दिया। उन्होंने कहा कि वे उनकी भतीजी के साथ मारपीट करते थे और अब उन पर हमला कर दिया गया। वहीं थाना सिविल लाइन के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि पुलिस लाइन में दोनों पक्षों में तकरार हुई है, दोनों पुलिस कर्मचारी हैं, फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ते आज ही आए हैं, आज ये साड़ी गाल पै गए। किस जगह गए ही? अभी पुलिस लाइन के महिला मंडल के दफ्तर अजे पहुँचने नहीं गए हाँ, तो इन्होंने राह ही सू टाल ये 8-10 जने आए ही। यदा सहुरा ही, चाचा सहुरा तो मामा सहुरा तो वो मुंडे तो नाल होर ही 5-4 जने। हाँ जी, ये जाली सर्टिफिकेट तो भर्ती होया सहुरा का, तो जरा वा ये सानू जान बुझ के दबा भी ये मेरा बोलना जार करो। हाँ जी, तो पुलिस लाइन के अंदर ते हमला है? हाँ, महिला मंडल के थोड़ा जा दफ्तर के पिछे ही। पुलिस उदो नहीं कोल हैगी, पुलिस नहीं आई। तुम छाया उसे किसी ने? अं अंदर वड़ गए, फिर जाके डरते मारे भजे हैं दफ्तरे, तो दफ्तरे मैडम फिर आई, तो मैडम ने उन्होंने फिर भज गए। हूँ मंग यो है इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो जोड़ा जाली सर्टिफिकेट से भर्ती होया ये डिसमिस कराया जाए, तो ये जरा मेरी अख जी इन्होंने फेही है चंगी तरह कुट कुट के। मैं मेरा नाम नवनीत शर्मा, मैं पंजाब पुलिस हाँ तो सीनियर कॉन्स्टेबल ड्यूटी करना। तो मेरी दरखास्त चलती ही सहुरे नाल, तो मेरी वाइफ ने पहलों भी 9 महीने पहलों बच्चा छड़ के चल गई है पेके, तो संबंध से अं कई बार लैन गए हैं, तो मेरे सहुरे मेरे जानों मारने धमकिया देंगे हैं। जिस संबंध मैं ये करके ना कई बार कंप्रोमाइज होया, पहले 2-3 बजे चल गई, हूँ एड़की गई, तो इन्हें दरखास्त देती है, तो दरखास्त के संबंध से सानू सद्या है, तो दरखास्त संबंध जो मैं हूँ अज गया वा पुलिस लाइन गया वा, तो पुलिस लाइन मेरा सहुरा बलविंदर कुमार, उसका भरा रुपिंदर कुमार, तो नाल मदन लाल मामा सहुरा, तो दोनों लड़के चेतन शर्मा तो मनदीप शर्मा, ये सारे अणपछाते मुट लड़के होर नाल लै गए, नाल एक पुलिस मुलाजम हो रहा, वह मैं ना नहीं जानता, वह भी इन्हों रिश्तेदार मामा लगता, ये काफ़ी बंदे लैके इतने 15-20-25 जने लैके तो उत्थे पहुँचे है। जो हजे अं अंदर नहीं एंटर होए दफ्तर के अंदर मैडम को, दूसरी मंजिल से मैडम के दफ्तर से ही उत्थे, तो गलबात यह होनी ही, ये बाहर ही सूँ इन्होंने घेर लिया काउंसलिंग सैल की उत्थे बिल्डिंग के ही, तो उत्ते साढ़े गल पे आ, मेरे भी सट्टा लाइया वा, मेरे मूँह से भी लाइया, मैंने गुजियां भी सट्टा लाइया वा, मेरे फादर साहब से लाइया, उन्होंने अख से भी ब्लड करता वा,
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦਾਜ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਛੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਅਤੇ ਜੋਨ ਨੰਬਰ 8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਐਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਟ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਤਨਰ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਆ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਦਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਠੀਕ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਦੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਜਵਾਈ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਆ ਇਹ 6-8 ਵਿਆਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਧੀ ਦਾ ਹੈਂ ਹੁਣ ਧੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਟ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਕੀ ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਥਾਣੇ ਦੇਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਵੀ ਡਰ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ MLA ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਪਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕੁੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਛਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਾੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਛਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛਾੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਛਾੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ
पुराना इन्हों का झगड़ा चल रहा तो पुलिस लाइन के इन दोवों का उ तकरार हो गया दोवें धरों का इन्हों का झगड़ा हो गया मुलाजम है जी बस इन्हों की कंप्लेट लै रहे हैं जी इन्होंने को जो कार्रवाई बनती कंप्लेट मुताबिक करा कर रहे हैं जी कर रहे हैं वो यो काम कर रहे हैं वो अजय मेरे को अंदर नहीं आई हैगी आँदी है उन्होंने भी गल सुनोंगे। जिला तरन तारण के अधीन अते गांव भगवानपुरा में 7 महीने पहले कोर्ट इसे खा में विवाहिता लड़की की दहेज के लोभी ससुर परिवार की ओर से बेरहमी से मारपीट कर गले में रस्सी डालकर फंदा लगाकर मारने की कोशिश की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित लड़की नंदिनी की मां नेहा रानी और उसके भाई साहिल ने बताया कि उनकी ओर से 7 महीने पहले अपनी लड़की नंदिनी का विवाह अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज देकर कोट इसे खां के रहने वाले जितेंद्र कुमार के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया था। विवाह के कुछ दिन बाद ही जितेंद्र कुमार और उसका परिवार उनकी लड़की को दहेज कम लाने और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मारपीट करने लगा, लेकिन उनकी लड़की ने कभी भी आकर उन्हें ये बात नहीं बताई। पर गत दिनों उसके ससुर परिवार की ओर से लड़की के साथ मारपीट कर उसके गले में फंदा डालकर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद उनकी लड़की ने किसी रिश्तेदार को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वह अपनी लड़की को उससे ससुर परिवार के घर से लेकर आए और गंभीर हालत में गाँव सुरसिंह के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया और इसकी जानकारी थाना भिखीविंड की पुलिस को दी। इस दौरान पीड़ित लड़की ने पुलिस से उसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। वहीं जब इस संबंध में दूसरे पक्ष के साथ फोन पर बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उसकी पत्नी नंदिनी गणमान्य लोगों की हाजिरी में अपने परिवार वालों के साथ बिल्कुल सही सलामत हालत में गई है। उन्होंने कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की है, उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जब इस संबंधी थाना भिखीविंड के SHO बलविंदर सिंह औलख से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लड़की की ओर से उन्हें शिकायत दी गई है, वे मामले की जांच कर रहे हैं। भिखीविंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। नंदिनी की सारा मसला जी? मसला अंकल जी ये कि मेरे ब्याह 7 महीने हो गए ने ते बुलेट की मांग करते हैं, थोड़े चेर बाद बुलेट की मांग की है, कुट मार के करते पे ने मेरे जेडे सहुरे सारे उतों आए। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਟ ਇਸੇ ਥਾਂ। ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੇਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਹੀ ਛਡਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੁਲਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹੀ ਸੀ? ਕੋਟੀ ਸੇਖਾ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਦਣ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛਡਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੇਨੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਈ।
ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਸੇਖਾਂ ਵਿਆਹੀ ਨੰਦਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਸੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਜੀ ਨੰਦਨੀ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ नकोदर में बालियां चुराने आए चोरों को लोगों ने मौके पर ही पकड़कर पेड़ के साथ बांधकर जमकर मारपीट की, जिसके बाद मौके पर थाना सदर की पुलिस पहुंची और माहौल को शांत करवाया और चोर को पकड़कर साथ ले गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SHO सोमनाथ ने बताया कि दोनों अपराधियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी सर, जी लुटखो हुई पहले टुटा के बारे हम तक की अपडेट सर? मानयोग SSP साहब की हदायतों वालों अपने नाके लगा के नाकाबंदी की गई सी, जो खूह टोटकल बस अड्डे के नज़दीक हुई सी वो इस जानकार ने मुकदमा दर्ज करके तवीर अमरजिया ने तो मौके पर जोड़े दोषी से दोनों गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हों पासों खूह की बाली बरामद कर ली गई है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ 184ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬਟਰੂਖਾ ਸੁਨਾਮ ਮੇਂ ਰਾਜ ਸਤਰੀਏ ਸਮਾਗਮ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬੁੱਤ ਕਾ ਅਨਾਵਰਣ ਕੀਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੇ ਚਲਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਕੇ ਲੀਏ 10 ਲੱਖ ਔਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਲੀਏ 29 ਲੱਖ ਏਵਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੇ ਲੀਏ 30 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਾਓਂ ਕੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਸੇ ਦੇਣੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਈਵਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੇਲ ਦਾ 15 ਫੁੱਟ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, 15 ਫੁੱਟ ਹੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਟ ਹੈ, 4100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ, 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਪਰ ਜਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੈ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੋਲਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਲਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 16x16 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤਿਆਰ, ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 72-73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜੀ।
गोवा में पंजाब सरकार की जमीन पर अमन अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता था कि पंजाब सरकार की करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव बेच दी गई। उन्होंने कहा कि जिसने भी पंजाब का पैसा लूटा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं अमरूदों के बाग में हुए घपले पर उन्होंने कहा कि 15% ब्याज के साथ इन्हें वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब पंजाब में भगवंत सिंह मान की ईमानदार सरकार में ही हो रहा है। मूंगी की MSP पर खरीद ना होने पर उन्होंने कहा कि केंद्र इसे खरीद नहीं रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जो पिछलिया समय दियां सरकारां ने जिस तरीके दे नाल पंजाब नूं पंजाबियों नूं ते पंजाब दे सोमियां नूं लुटिया ते लुटाया उन्हां नूं ही हुण रिकवर करन दा रिट्रीव करन दा वापस लै के लोकां नूं समर्पित करन दा काम है जिहड़ा वो चल रहा है। गोवा दे विच शायद आ हुण दी सरकार तों पहलां जदों मान साहब ने उद्यम चक्किया है वो तो पहला शायद तुहानू पत्रकारां नूं जिहड़ा कि जागरूक तबका है समाज का उन्होंने भी नहीं पता सीगा भी इह जिहियां कौडियां दे भाव पंजाब दीआं जमीनां बाहरलियां स्टेटां दे विच लटाईआं जा रहीआं ने हुण उहनू वापस लैके पंजाब नूं सौंपिया जा रिहा है। इस तरीके नाल जे आपां सपोज़ जिहड़ा जो गवावा जो अमरूदां दे बागां दा वह तकरीबन 125 करोड़ दे करीब घपला हो गया ये पहली बारी हो रहा है कि उन्हां लोकां तो 15% ब्याज दे नाल पैसा रिकवर किया जा रहा है। आही मान साहब आही केजरीवाल साहब तो आही असी लोग जाके चोणां दे समय दौरान कहिंदे सी कि जो लुट्टां घसुट्टां पहलां होईआं ने जिन्हां ने कीतीआं ने उन्हां दे हलकां दे विच हत्थ पा के वह पैसा कढ के पंजाब दे लोकां नूं समर्पित करांगे। खनौरी में 23 जून को भाखड़ा नहर में ट्रैक्टर गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसके तहत लहरा के विधायक वीरेंद्र गोयल ने पीड़ित परिवारों को 1,25,000 रुपए के चेक प्रदान किए। इस दौरान विधायक वीरेंद्र गोयल ने कहा कि भाखड़ा नहर में जो हादसा हुआ था उसमें 3 महिलाओं की जान चली गई और बाकी महिलाएं जख्मी थीं। वे इन पीड़ित परिवारों से हमदर्दी रखते हैं और इन पीड़ित परिवारों को 1,25,000 रुपए के चेक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से और भी जो कोई मदद हुई तो वे जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन लोगों की मदद की थी उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो बहुत ही माड़ी घटना वापरी सी। कई परिवार जेड़े सवेरे अपनी दिहाड़ी की तलाश दे विच दिहाड़ी करन गए सी तां भाखड़ा दे विच वो ट्रैक्टर गिर गया सी ते बड़े यतन किए गए सारे नगर वालों सारे गुआंढ दे पिंडां वालों सारी पब्लिक वालों सरकार वालों असी उत्थे NDRF की टीम तक बुलाई सी जो भी मदद हो सकती सी उत्थे कीती पर कई लोग बचाले गए। ये 3 कीमती जाना सी जिहड़ियां ये नहीं बचाईआं जा सकियां। इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है। वो लाशा मिलिया भी नहीं सी। 2 लाशा एक लाश एक दिन मिल गई दूजी अगले दिन मिल गई। वो 3 लाशा जिहड़िया मिलिया परसों उन्हां दा संस्कार किया गया। अज फुल जुगन की जिहड़ी रस्म है वह अदा की जानी है। मैं इत्थे आया तो सरकार वालों जो मदद का सिस्टम हुंदा है उस दे तहत इन्हां नूं 1,25,000 का एक परिवार को मतलब 3 परिवारों 3,75,000 रुपये के जिहड़े चैक ने वो असी मदद वजो दिते आ। सो ये मदद है जिहड़ी एक सिर्फ मतलब जख्मां ते मलहम लाने वाली गल है। ये नाल ना तो वापस आ सकते हैं ना किसी बंदे की जान की कीमत है जिहड़ी पैसे नाल हो सकती है। एक फौरी तौर पर सरकार का जो मदद का नियम है वो इन्हां नूं अज दित्ती गई है। बाकी जिथे वो कीमती जाना बागियां मैनूं उस चीज़ का दुख है। मैनूं इस चीज़ की तसली है कि सारे नगर ने सारे गवांढां ने इस परिवारों के इन्हों के उत्ते पिट के उत्ते खड़े रहे। हर एक ने जो मदद किसी तो हो सकती सी किसी ने चाह पियाई किसी ने पानी के उत्ते सेवा की। सो कहन तो भाव जिसने भी किसी की जो मदद सी उसने की है तो दूजे 4 लोगों ने कई कीमती जाना बचाईया। एक ग्रंथी सिंह सी उन्हें अपनी पग ला के जी भाखड़ा सिटी वो जाना बच गई। सो उन्हों का भी बहुत बड़ा मैं समझदा असी उन्होंने जो
एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। असी उन्हों का सन्मान भी करा कि उन्होंने कीमती जाना बचाईया ने। सो मैं जिथे परिवार के नाल हमदर्दी प्रगट करदा तो उत्थे सारे इलाके का खास तौर पर उन्होंने चार बंदियां दा साढ़े प्रशासन का सारे का धन्यवाद करदा जेडे दुख की घड़ी के परिवार के नाल आके खड़े। एक परिवार वालों 10-10 लाख रुपए की पहला मंग रखी गई थी, एक नौकरी की मंग रखी गई थी, अगर सरकार कोई और भी आर्थिक मदद कर सके। देखो जिथे तक मदद का सवाल है, मैं ये समझदा भी सरकार अपने वालों कोई कमी नहीं छड़ती। मैनू अज मैं अखबारों के पढ़िया है कि नियम होंगे ने एक कि किहड़े नियम के तहत की मदद दी जानी है। सरकार कदे कमी नहीं रखती। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब उहदी तां हमेशा यह नीति है कि असी वध तों वध मदद लोगों को दईए ते असी उह कर भी रहे हाँ। पर यह समा राजनीति करन दा नहीं है, यह समा लोगों नाल इस परिवारां दे नाल हमदर्दी करन दा। जो एवें कोई गल्लां कही जाणियां, देखो ये वधिया गल्लां नहीं हैगियां। जो असी कर सकदे हाँ कोई चिंता करन दी लोड़ नहीं। अज ये चैक दित्ते ने, इस तो बिना भी जो मदद एज परला होएगी असी वो सारी मदद करांगे। सो इस चीज़ की कोई मैं समझदा ना तो किसी नूं बाला प्रोटेस्ट की लोड़ है, जिस तरह हुई सी गल ये सारी वधिया गल्लां नहीं है। असी परिवार दे नाल खड़े। इस हादसे नूं रोकण दे लई सब तो वड्डा कदम जो है भाखड़ा नहर खनौरी मंडी तो 12 किलोमीटर अगे अलीगढ़ गिल्ले तक जाती है। जदों मैं MLA बनया तो उस समय गल आई सी मेरे को इतने अक्सर हादसे वापरते रहते हैं। जिहड़ी सड़क है वह सड़क भाखड़ा के बिल्कुल बराबर ही चलती है, बराबर है उहदी, कोई उचाई नहीं है। सो इतने हादसे वापरते रहते सी, लोग मेरे ध्यान च लैंदी सी। मैं विधानसभा के विच भी ये मुद्दा उठाया सी कि भाखड़ा के विच अनसुखावियां घटना वापरदियां रहिंदियां ने। तां सरकार ने 2,20,00,000 की लागत के नाल ये 12 किलोमीटर जिहड़ी सड़क दे लागे ये रेलिंग लाउणी है, इहदा टेंडर हो चुका है। 15 तारीख नूं टेंडर खुल जाना है ते सारी सड़क ते ये रेलिंग है जिहड़ी लग जूगी तां जो कोई भी घटना दुर्घटना ना वापर सके। क्योंकि जो गड्डी इहदे विच जां मोटरसाइकल साइड ते हो जांदा उह भाखड़ा दे विच नहीं गिर सकदा। पूरी दुनिया में मुस्लिम भाईचारे का पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा मनाया गया। वहीं जालंधर की गुलाब देवी रोड पर स्थित ईदगाह में मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने नमाज अदा कर ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब बलकार सिंह ने इस त्यौहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ईद मनाई और उन्हें बधाई भी दी। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस त्यौहार को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ईदगाह में ईद भी मनाई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन वालों अज समुचा जिहड़ा हैगा प्रबंधा नूं देखा जा रहा और साडे नवीन खान जी ने इत्थे बड़े ही अच्छे प्रबंध किए और हमेशा ही हर साल की तरह इस तरह भी लोग हुम हुमा के इत्थे पहुंचे। मैं अपने वालों समुचे प्रशासन वालों समुचे भाईचारे नूं जिहड़ी हैगी आ पूरे संसार दे विच उन्हां नूं लख लख वधाई दिंदा हाँ। परमात्मा इस तरह भाईचारक सांझ बनाई रखे और हमेशा असीं चढ़दी कला च रहिए, असीं इदां ही रल मिल के अपने देश नूं उन्नति वल लै के जाइए। नवीन खान जी वालों तुसीं अज देखा होना कि बहुत सारे ही जिहड़े हैगे आ समुचा जिहड़ा भाईचारा इत्थे इकट्ठा होया और जिहड़ियां खुशियां जिहड़ियां सांझियां कर रहे आ कोल भी अरदास कर रहे हैं कि असी जिहड़ा समुचा भाईचारा निरोग रहे। जिस तरह कि पिछे कोविड सीगा तो उदों भी सारे ने रल मिल के एक दूजे की बांह फड़ी सी, इस तरह ही इस गुलदस्ता बनाई रखी और अपने देश नूं उन्नति वल लैके जाइए। सर गल करिए अज जलंधर दे प्रशासन अलग अलग मस्जिद दे विच कीड़ी मनाई पर पुलिस प्रशासन किन्नी सिक्योरिटी दा प्रबंध? देखो अल्टीमेटली साढ़े हर जगह ते जिथे भी साढ़े ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है उत्थे SP रैंक का ऑफिसर जिदा तुसीं इत्थे देखा होना साढ़े हरिंदर गिल साहब जिहड़े हैगे उन्हां दी ड्यूटी लगी आ, साढ़े परमजीत ACP आ, साढ़े SHO समान 3-4 लाए असी ट्रैफिक दे जिहड़े पुख्ता प्रबंध कीते। इस तो पहलां असी इन्हां दी एंटी सैबोटेज चैक करवाई आ, असी पूरा जिहड़ा हैगा डोमीनेट कर रहे हैं तां कि लोकां नूं कोई भी इनकनवीनियंस ना होवे। ट्रैफिक दे जिहड़े सखावें प्रबंध कीते जिस ते साढ़े ADCP कमलप्रीत सिंह जिहड़े हैगे आ उह सारा समुचा ट्रैफिक दा प्रबंध देख रहे। मानयोग CP साहब वल्लों उचेचा तौर ते सानूं जिहड़ा इस संबंध दे विच कल ब्रीफ भी कीता गया कि किसी भी तरह ड्यूटी दे विच कोई कताही ना
ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਵੀਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਈਦ ਉਲ ਅਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 19-21 ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਈਦ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਮਨਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀਓ ਕਾ ਮੌਸਮ ਆਤੇ ਹੀ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਆਮ ਖਾਨੇ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਆਮ ਫਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਸਰੀਆ ਚੋਸਾ ਲੰਗੜਾ ਸਫੇਦਾ ਇਤਿਆਦੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਗੀਚੇ ਮੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਮ ਲਗਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਨਾ ਆਪਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਮ ਲਗਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਲੰਗੜਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਸਾ ਔਰ ਅਚਾਰੀ ਆਮ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇੜ ਕੀ ਉਮਰ 10 ਵਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰਸ਼ੋਂ ਸੇ ਇਹ ਆਮ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇੜ ਸੇ ਕਰੀਬ 50-60 ਕਿਲੋ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਸ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨਰਸਰੀ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਵਹ ਸਫਲ ਰਹਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇੜ ਪਰ ਲਗਤੇ ਹੈ ਇਸ ਪੇੜ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਕਾ ਸਵਾਦ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇੜ ਕੀ ਸਾਥ ਤਸਵੀਰੇ ਖਿਚਵਾਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹੇ ਆਮ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇੜ ਕੀ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ
इस पेड़ के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर कैंट के पैंती सरकारी नर्सरी के अंदर जेडे इस नर्सरी के इंचार्ज जसबीर सिंह जी है उन्होंने इदा का कमाल करके दिखाता। इको ही पेड़ के उत्ते एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच तरह के जड़े है अंब तैयार किया बूटा तैयार किया और बूटे के उत्ते पांच तरह के जड़े अंब अज देख मिल रहे हैं। जसबीर सिंह जी जे नर्सरी के इंचार्ज है साढ़े नाल मौजूद है गलबात कर लें। जसबीर जी ये इको बूटे के उत्ते पांच तरह के अंब लगा दते ये दिमाग च किदा आया और कमाल किदा कर दिता? ठीक है सर ये आइडिया वैसे मेरा नहीं मेरे जो सीनियर अफसर से पहलों डॉक्टर हरभजन सिंह सैनी उन्होंने आइडिया से पर मैं तेरी आके संभाल देख दिखा चंगा करके इनू काफ़ी प्रूव किया अगे तो इतने पहलों पाँच तरह के अंब है जिदा दशहरी लंगड़ा चौंसा अमरपाली अचारी अंब अं किए हुए पांच शाखा दियाँ कड़ियाँ हौली हौली इस तरह ही पांच ते पूरा करके फिर असीं बखरे बखरे ट्रीटमेंट करके इनू चंगी खुराक दे के खाद दवाई देसी रूड़ी ज़्यादा देसी रूड़ी पाओ उन्हां नाल वधिया हुंदा असर तो इस तरह फिर साडा बूटा काफ़ी सक्सैसफुल हो गया जी। जे देखा जाए अंब के बूटे होर भी है ठीक है जिहड़ा तुसीं बूटा तैयार किया जिहदे बूटे के उत्ते पंज तरह के अंब लगे हुए इहदी रखो देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पैंदी है? हाँ जी हाँ जी देखभाल थोड़ा ज़्यादा करनी पैंदी है क्योंकि पंज तरह के अंब लगने ने इहनू हरेक ने बखरी बखरी खुराक चाहिए आ इस करके देसी रूड़ी अक्तूबर सितंबर के महीने आप पानी पैंदी है सानूं देसी खाद बाकी होर दवाई की स्प्रे वगैरह पूरा ध्यान ना इहनू करना पैंदा। ऐतकी तो वैसे ही सीजन घट सी अंब का इस करके इन ऐतकी घट लगे नहीं तो अदरवाइज इन बहुत ज़्यादा अंब लगते हैं। जी गल करिए इनू पानी किन्ना क पानी देना पैंदा और कदों कदों देना पैंदा किन्ने समय बाद देना पैंदा? सर इन पानी एक तो जिदा आप दसंबर महीने के पानी लाना होंदा जो कोहरा पैंदा उस तो बाद आप जो फ्लावरिंग तो बाद जो फ्रूट बन जाता उदों पानी लाना होंदा 20 दिन बाद इन पानी लाना पैंदा सानू वक्रे वक्रे टाइम पर। जिथे तक मैं जानता तुम इदा का बूटा कई अपने रिश्तेदारों या कई अधिकारियों तैयार करके भी दिता है तुम वो बूटियां देख गए? नहीं सर बूटियां देख तो नहीं गए पर एक दो थावे गए पर जिदा पूरे कामयाब नहीं तो हो सके क्योंकि देख रख रखाव तो ज़्यादा सामभ संभाल की ज़्यादा करनी पैंती है क्योंकि तो उन्होंने तो नहीं हुई इन्हें तो एक दो ही ब्रांचा चलिया उन्होंने तो क्योंकि ये सरकारी नर्सरी हैगी कई लोग इतने आते हैं कोई इस बूटे ना छेड़खानी या कोई अंब तोड़ता तो नहीं? नहीं सर ये बारे कोई नहीं इदा तो कुछ नहीं करते सिर्फ लोग आके फोटो खिंचा लेंगे जो अंब पक्के होंगे फोटो खिंचा लेंगे आके होर कुछ नहीं करते जी यानी कि देखी जा छेड़ी ना। हाँ ये गल हैगी देखी जा पर छेड़ी ना तो फोटो खिंचा के अपना ठीक ठाक बस बड़े खुश जाते लोग जी। इस नर्सरी के उत्ते अंदर तुहाडे जिहड़े सीनियर अफसर हैगे वह भी आते होने वो भी तुहानू कदी पुछते होने ये कमाल करके दिता तैयार किदा किया? हाँ जी सर वो पुछते रहते देखते रहते बार बार जो भी पकते उदो उन्होंने गेड़ा लाना ही हुंदा देखते अंब नू चंगी तरह बहुत वधिया हैगा कार्ड कढ़ी हुई आपां। किन्ना क समां लग गया? सर 10 साल हो गए इहनू लगे नू 4-5 साल तो इहनू घट्टो घट पहलों सानू तैयार करन ही लग जांदे आ एक ब्रांच में फिर दूसरी ब्रांच क्ढनी उन्होंने ग्राफ्ट करना फिर तीसरी ब्रांच क्ढनी उन्होंने ग्राफ्ट करना इस तरह से 4-5 साल साढ़े प्रोसैस में लग जाते हैं जी। जे देखा जाए बूटे तो काफ़ी होर भी लगे हुए हैं जिदा आप बूटिया मिट्टी दें तुम कि मिट्टी यूज करते हो देसी मिट्टी करते हो या होर कोई मिट्टी यूज साड़ी तो सैंपल मिट्टी हैगी अं कर ग्राफ्ट करते हैं जो भी खेत की मिट्टी हैगी है होर असी जिदा बूटे तैयार करने होंगे सीड वो तो बर्मी कंपोस्ट कोकोपीट तो बर्मी कंपोस्ट रला के तैयार कर लीजिए जी। तुहाडी इस नर्सरी दे विच काफ़ी बूटे लगे हुए देखते भी पे है और किहड़े किहड़े बूटे लगे हुए है? सर साडी नर्सरी विच हुण जिहड़े गर्मियां दे बरसात दे महीने देने वो हैगे नींबू किन्नू माल्टा मौसमी अंब अमरूद जामन बैल ढिऊ ते कटहल इस तरह के बूटे साढ़े को हैगे देईदे आ ते जिहड़े जनवरी च देने नाशपाती आड़ू बग्गू गोशा नाख अंगूर अंजीर वो है साढ़े जनवरी के बूटे जी दिन सियाल वाले पत्त तुम जिदा काफ़ी बूटिया का नाम दसिया है यदि रख रखवाली कि देखभाल जी कि की जाती है? सर 4 बंदे साढ़े को पक्के जेडे माली आ इस नर्सरी के पंजवा मैं तो कुछ साढ़े को मनरेगा की लेबर आँगी 14-15 जने आ जाते उन्होंने 10-12 पक्के हाजिर ही रेंगे आ। हाँ जी जिहड़ा बूटा तुसीं कमाल कीता इक्को ही पेड़ दे उत्ते पंज तरह दे अंब जिहड़े आ लगे लगवाते मेहनत कीती है ये बूटा कितें होर भी लगा? नहीं सर होर कितें नहीं हले तक मैं नहीं देखिया कितें लगा जी।
एक तो कमाल कर दिता जसबीर सिंह ने, जसबीर सिंह जी हूँ दूसरा कमाल कि करेंगे कदों करेंगे? दूसरा सर एक मैं सतूत शुरू करता, तो मैं तीन तरह के करूँगा, एक रेड कलर के लंबे सतूत जोड़े होंगे 2 इंची के, एक ग्रीन तो एक है वाइट कलर के, वो थोड़े जे तुम समय से मैं तुम दिखावगा करके तैयार, 2-3 साल लग जाने फिर। नाल कौन होएगा? नाल साढ़े सीनियर अफसर होंगे, नाल तुम हो गए जी सीनियर, जेडे सीनियर अधिकारी इतने पहुँचे शाबाशी तो देंगे उन्हें, खुश तक शाबाशी देंगे उन्हें, खुश होंगे उन्हें, क्योंकि नर्सरी का कमाल तो जी है वाहवाही, जी बाहर भी लोग गल्ला करते हैं कि कैंट की और नर्सरी से जाओ तो कमाल देखो जसबीर सिंह ने किया, खुश तो होंगे उन्हें? हाँ जी खुश होंगे जी, शाबाशी मिलती है जी, डायरैक्टर तो मैं सम्मान तो भी एक बार हो चुका जी, मैं डायरैक्टर मैडम तो साढ़े हॉर्टीकल्चर जो है उन्होंने तो एक बार मैं सम्मानित भी कर चुके जी। हाँ सपोर्ट पूरी, सपोर्ट पूरी है जी नर्सरी इस, जलंधर की नर्सरी साढ़े सीनियर अधिकारी तो मन सारे वालों मैं पूरी सपोर्ट मिलती है जी, कोई किसी पास ना दा, ना पक्षी है नहीं कुछ भी जी, यानी कि जेडे सीनियर अधिकारी है पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, वह कही जाते साड़ी सपोर्ट पूरी है तू कमाल करके दिखाई जा। हाँ जी सर डॉक्टर लाल बहादुर साहब आ, वह मेरी बड़ी हेल्प करते, जो भी उन्होंने कुछ भी कोई काम करना होंगे नर्सरी का उस वेले कहते जसवीर तू कर दे जो करना जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ सी सरकारी नर्सरी जी कैंट दे पैंदी उहदे इंचार्ज जसबीर सिंह जी, जिन्होंने एक तो कमाल करके दिखाता एक ही बूटे उत्ते 5 तरह के अंब, दूसरा कमाल इन्हां वल्लों इह कहा कि दूसरा कमाल भी जिहड़ी शूत है शूत शतूत जिन्हों कहने हैं वह जल्दी ही एको बूटे के उत्ते कई तरह दियाँ लगा के दिखाएंगे। कैमरामैन जतिन देना विनय शर्मा दैनिक सवेरा टीवी जलंधर। माँ बंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर आज के मुख्य यजमान राकेश प्रभाकर एवं पूनम प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई दर्जा नहीं है, भगवान अगर कहीं है तो आपके घर में बैठे आपके माँ बाप है, उनकी सेवा कर लो, उनको खुश रखो तो परमात्मा खुश हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे लकड़ी में आग दिखाई नहीं देती है, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता, वैसे ही कण कण में समाया परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए संतों के सामने झुकना सीखो। इस अवसर पर संजीव सौंधी, श्रीकंठ जज समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप डॉक्टर शर्मा, प्रदीप शर्मा, धीरज, मुनीश शर्मा, बलजिंदर सिंह, प्रिंस कुंडल, रोहित भाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मोहित, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, मानव शर्मा, राजीव, अशोक शर्मा, प्रदीप, अभिलक्ष चुग, पंकज, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय कारा बगला मुखी माता जी का, आज माँ बगला मुखी धाम सिटी जिहड़ा कि लम्मा पिंड चौक से बोल देता है, उत्थे महामाई का वीरवार का जिहड़ा हर वीरवार हवन होंदे हैगे आ, उन्हां दी कड़ी दे विच अज वीरवार जिहड़ा हवन किया गया, श्रद्धालु जिहड़े सवेर तो ही लगातार जिहड़े आ रहे सीगे ते श्रद्धालुआं ने बहुत श्रद्धा भाव नाल आहुतियां डालियां। और मैं भी दसना चाहना कि हर वीरवार सवेरे 6:30 बजे तो लैके 7:30 बजे तक निःशुल्क हवन यज्ञ किया जाता है, और हर शनिवार शाम को 7 बजे तो लैके 8 बजे तक निःशुल्क हवन यज्ञ किया जाता है, इसकी कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं हैगी, और उस तो बाद लंगर भंडारे का आयोजन किया जाता है कि जिहड़ा कि सारे श्रद्धालु इकट्ठे होकर करते हैं। जय माँ बगला मुखी, जय माँ बगला, जयकारा बगला मुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। जय माँ बगला मुखी जी, अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के हर गुरुवार को दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अज भी महामाई के भगतों द्वारा सेवादारा द्वारा एक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिन्हों बड़े सुचारू रूप के नाल सारे सेवादारा ने अपनी सेवावान के नाल जिहड़ा हवन यज्ञ करवाया। मेरी सारे जिहड़े माँ के नाम लेवा संगत है उन्हें मूहरे करवद प्रार्थना है, सारे महामाई की सेवादार
गुरुवार को अगले 6 तरीक न महामाई में जोड़े गुरु मानते हैं वो हवन यज्ञ तो पहला माँ का जोड़ा विशेष रूप के स्नान वगैरह करवाएंगे और माँ को नाना प्रकार के जोड़े भोग है वो अर्पित करेंगे। मैं सारे समूह नाम लेवा संगत के मूहरे करवत प्रार्थना है कि वो अगले गुरुवार को मंदिर परिसर च पहुँच के माँ बगला मुखी जी ने गुरु पूर्ण रूप के मनण वाले पहुँचन हवन यज्ञ आहुतियां डालन और महामाई को भोग लगवान। जय माँ बगला मुखी जी, जय माँ मुखी। मुस्लिम भाईचारे की ओर से ईद के पवित्र त्यौहार के अवसर पर अमृतसर की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस मौके पर जहां मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने बड़ी संख्या में बकरीद की नमाज अदा की तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम की ओर से जहां देश भर के लोगों को ईद के पवित्र त्यौहार की बधाई दी गई तो वहीं ईद की नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से सरबत के भले की अरदास की गई। इस दौरान मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पवित्र त्यौहार से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जो ईद उल अजहा का त्यौहार है कुर्बानी का प्रतीक है। आप सारे देशवासियों ने जो ईद की नमाज अदा की गई सारिया ने मुल्क की अमन शांति लिए दुआ की यही साड़ा पैगाम है कि सब लोग मिलजुल कर करिए। ईद बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक ईद उल अजहा और एक ईद उल फितर। ये ईद उल फितर के 2.5 महीने के बाद आती है जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर जो अपनी असली सुन्नत इब्राहिम ही है जो इब्राहिम अलैहि सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी उन्हीं की याद में अपनी जानवर को कुर्बान करते हैं, इसको ईद उल अजहा कहा जाता है। देशवासियों को यही संदेश है जो नफरत की हवाएं चल रही हैं उसको दरकिनार करके हमें सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ਸਵਾਹਾ ਇਸ ਮੰਤਰ
कारण सू मंत्र नहीं आता तो बाद सुहा अपने मुख्य धारण करना क्योंकि सुहा कहने ही साढ़े मंत्र का पूरा फल सू मिलेगा। ऐसी विदाना च भी लिखा शास्त्रा च भी लिखा और अभी भी कहने भी जो अनुभव व्यक्ति जो बच्चा कुछ नहीं जानता बोलना भी जानता उस वे अपने इशारे के नाल अपनी माँ को समझा दिता कि मैं भुख लगी है जब मैं प्यास लगी है जब मैं बाथरूम जाना है वो बच्चा समझा सकता तो असं तो बिल्कुल समझदार हाँ असं क्यों नहीं समझा सकते। इस वास्ते अपने आप को पूर्ण रूप से बच्चे के रूप के महाराणी देख के अपने आप को अज अपनी हाजिर लगवानी है क्योंकि सारे जकारा बोल के महाराणी का जाप शुरू करता है। जय तारा भगवान मुखी देवी जी का बोल साचे दरबार की जय। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा छठे दिन भी जारी रहा। भंडारे के छठे दिन शिव भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अनेक प्रकार के व्यंजनों का आनंद लिया। इस मौके पर छठे दिन के भंडारे की शुरुआत शिव मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरुदत्त श्रृंगारी व शिवनगर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान वीरेंद्र महेंद्रू ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर किया। इन सभी शिव भक्तों को लंगर के आयोजक राजेंद्र शर्मा भगवान दास नरेश शर्मा ने सम्मानित किया। इस दौरान गुरुदत्त श्रृंगारी ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य कमा रही है इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट की संस्था और ऐसी सेवा के लिए हम सबको आगे आने की जरूरत है। इस दौरान राजेंद्र शर्मा भगवान दास नरेश शर्मा ने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा भगवान दास अजय मल्होत्रा नरेश शर्मा काली अशोक शर्मा विजय महाजन सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अमृतसर में आईबीटी की ओर से ओवरसीज सर्विस ऑफिस खोला गया। इस मौके पर श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ और कीर्तन करवाया गया। अमृतसर आईबीटी ओवरसीज सर्विस के साहिल नैयर और चेयरमैन मनवीर ने बताया कि आईबीटी की ओर से चंडीगढ़ लुधियाना दिल्ली के बाद अमृतसर में पहला ओवरसीज सर्विस ऑफिस खोला गया है। इस ऑफिस में आईलेट्स पीटीई टेस्ट के लिए तैयारी करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि यह अमृतसर का पहला ओवरसीज सर्विस का ऑफिस है जिसमें अमेरिका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देशों के लिए स्टडी वीज़ा विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा दूसरों से कम रेट पर दिलवाया जाता है। लोग इन सभी कामों के लिए फ्री सलाह भी ले सकते हैं। वहीं साहिल ने बताया कि आईबीटी सरकारी नौकरी के लिए पेपरों की तैयारी भी करवाते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लास्ट 10 ईयर्स तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपा सेंटर चला रहे हैं रानी का बाग दे विच एंड उहदे विच आपा हजारा बच्चों नू बहुत ही अच्छी सिलेक्शन दे चुके हैं। बट उत्थे की सीगा कि एक डिमांड सी स्टूडेंट्स दे वल्लों ही कि सानू प्रॉपर जिहड़ी है वीज़ा आईएलटीएस पीटी नू लैके एक जेन्युइन गाइडेंस की जिहड़ी है कमी की है राइट। सो उस चीज़ नू की है आपा अगे लैके आ रहे हैं कि एक जेन्युइन गाइडेंस राइट तां कि एक बच्चों नू सही रस्ता विखाया जाए राइट एंड एक जेन्युइन प्राइस दे विच उन्हां नू जिहड़ा उन्हां दे डेस्टिनेशन तक उन्हां दे सपनियां नू जिहड़ा साकार करन च असीं हेल्प करिए राइट। सो बहुत ही प्रोफेशनल वे दे नाल आपां इह चीज़ जिहड़ी इत्थे कॉन्टीन्यू कर रहे हैं एंड वी मेक श्योर कि बहुत ही अच्छी सर्विसिज अमृतसर दे बच्चों नू एंड आस पास दे जिन्ने स्टूडेंट्स हैगे अमृतसर दे लागे रहिंदे आ उन्हां नू असीं इत्थे प्रोवाइड करांगे। देखो गाइडेंस की है आपां जदों तक सानू नॉलेज नहीं होएगी किसी चीज़ की। बहुत सारे इत्थे वीज़ा सेंटर हैगे है जिहड़े कि विदाउट नॉलेज बच्चों नू की कर रहे हैगे उन्हां दी फाइल वगैरह पकड़ लैंदे राइट। तो असी की है साडी एक रिसर्च टीम है जिहड़ी चंडीगढ़ जलंधर एंड वक्री वक्री जगह ते बैठदी है। एक वी हैव अ वेरी बिग टीम जिहड़ी कि प्रॉपर नॉलेज दे नाल एक प्रॉपर नॉलेज दे नाल इस चीज़ दे विच डील करदी है राइट एंड एक डीप नॉलेज है यूनिवर्सिटी लैवल किहड़े कंट्री च किहड़ी यूनिवर्सिटीज लैवल ते जाना चाहिए बच्चे नू राइट एंड तां कि उत्थे जाके जिहड़ा बच्चा परेशान ना होए राइट। सो इस चीज़ की जेन्युइन गाइडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट सीगी जिहड़ी असीं अज पूरी कर रहे हैं। इत्थे आईबीटी एक ब्रांड हैगा सो माझे दे विच किस तरह स्कोप दी माझे स्कोप अच्छा है। देखो बच्चे बहुत सारे बच्चे जेडे कि अपना बाहर जाके फ्यूचर देख रहे हैं राइट। सो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट स्कोप ते अच्छा ही दिख रहा है फिलहाल इस चीज का। हाँ जी हाँ जी वी विल डील इन बेसिकली आईएलटीएस पीटी एंड डिलिंगो।
ठीक है। प्लस आपां स्पोकन इंग्लिश दे विच भी हेल्प करांगे स्टूडेंट्स नूं। डिलिंगो इत्थे अमृतसर दे विच हले कोई भी नहीं करांदा ते कई बच्चों नूं पता भी नहीं उहदे बारे। सो आईबीटी जिहड़ा पहला सेंटर होएगा जिहड़ा कि डिलिंगो दी लैंग्वेज टेस्ट दी प्रिपरेशन जिहड़ा अमृतसर दे विच देगा। एंड उहदे नाल साडे कोल पीटीई दी आपां प्रॉपर एक कंप्यूटर लैब जिहड़ी वी है, दो कंप्यूटर लैब स्पैशल आपां रेडी कीतियां हाई टैक्नोलॉजी दे नाल। एंड पीटीई दा जिहड़ा मोस्टली की है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करदे आ। एंड असी वेरी कॉस्टली एक सॉफ्टवेयर अपना ही डिवेलप कीता गया तां कि बच्चों एक प्रॉपर रिजल्ट जिहड़े पीटीई दे आपां शो कर सकीए, राइट। मोस्टली की है कोई सेंटर्स की करदे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करदे, उहदे नाल एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं मिल पाती बच्चे नूं, राइट। तो जिहड़ी अपनी रिसर्च टीम है इन हाउस रिसर्च टीम आपां अपना ही सॉफ्टवेयर पीटीई दा डिवेलप कीता गया जिहदे नाल बच्चों नूं बहुत ज्यादा बेनीफिट रहेगा पीटी दे विच हाई स्कोर पाउण लई। एंड इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हुण की है कैनेडा जिहड़े बच्चे जांदे आ, राइट, पहले की हुंदा सी ओह आईएलटीएस दे वल जांदे सीगे, हुण की है पीटी दी एक्सेप्टेंस भी जिहड़ी है ओह काफी ज्यादा हो गई है, राइट। एंड पीटी दे विच बच्चों लई मार्क स्कोर करना होर भी आसान रहिंदा है। एंड उस चीज दे लई आपां एक स्पैशल टेक्नीक्स दे नाल इत्थे अमृतसर दे विच आ रहे हां। पहला तां सारे ही मीडिया साहिबानां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬੀ ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਸਕੋਰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ UK ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ IBT ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ USA ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ 90-95 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸਾ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਬਾਰੇ? ਮਾਝੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਕਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IBT ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੈਨੂਅਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ USA ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ USA ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ USA ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, PR ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਾਬੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। अमृतसर की पुलिस लाइन में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर और उसके बेटे पर हुआ हमला, बेटे के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस थाने में दी थी शिकायत। तरनतारन के अधीन आते गांव भगवानपुरा में ससुराल परिवार ने विवाहिता से मारपीट कर उसे फंदा लगाकर की मारने की कोशिश, ससुराल पक्ष ने सिरे से आरोपों को नकारा। नकोदर में बालियां चुराने आए दो चोरों को लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर की मारपीट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।